हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद तब्बू। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अल्फाम चिकन की रेसिपी। बहुत ही क्विक और इजी तरीके से बनाई है मैंने ये डिश और इसका टेस्ट भी काफी अच्छा है, तो चलें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम चिकन लिया है, इसमें 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दें और एक अंडे को अच्छी तरह से बीट करके इसकी आधी क्वांटिटी हमें इसमें डाल देनी है। आधा किलो चिकन के लिए इसमें इतनी क्वांटिटी काफी हो जाएगी। इसमें मैं अब एसएस मसाला का ये पेपर टिक्का बारबेक्यू अल्फाहम मसाला मिक्स यूज कर रही हूँ, जो कि काफी अच्छा प्रोडक्ट है एसएस मसालास की तरफ से। प्रिपरेशन मेथड इसके बैक साइड दिया गया है, सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स हैं इसको बनाने के लिए। अदरक और लहसुन का पेस्ट और अंडे के अलावा कुछ और एक्स्ट्रा मसाले इसमें ऐड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये एसएस मसाला ही यूज करके हमें अल्फाम चिकन को बनाना है। एसएस मसालास के ये प्रोडक्ट्स अमेज़न पर अवेलेबल हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूंगी। ये मस्ट ट्राई प्रोडक्ट्स हैं, आप इनको एक बार जरूर ट्राई करें। तकरीबन 35 ग्राम से मसाला पाउडर मैंने ऐड किया है इसमें। इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसे आधे घंटे तक मैरिनेट होने के लिए रख दें। आधे घंटे के बाद आप या तो इसको तेल में फ्राई कर लें, ओवन में कुक कर लें, या फिर बारबेक्यू ग्रिल वगैरह पर भी इसको अपनी मर्जी से बना सकते हैं। मैं आज इस चिकन को तेल में फ्राई करने वाली हूँ। तेल को मैंने कढ़ाई में अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। तेल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो चूल्हे की फ्लेम को मीडियम कर लें और मीडियम हॉट ऑयल में इस चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लें। पलट पलट कर इस चिकन को गल जाने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है मैंने, और आप देख सकते हैं कि कितनी कम मेहनत में बिना कोई मसाले ऐड किए ही हमने ये अल्फाम चिकन तैयार कर लिया है। 2 बैचेस में मैंने इस चिकन को फ्राई कर लिया है और ये चिकन अब सर्व करने के लिए तैयार है। पर अल्फाम में जो स्मोकी फ्लेवर होता है, उस स्मोकी फ्लेवर को लाने के लिए मैं चूल्हे पर इस अल्फाम चिकन को इस तरह से भून रही हूँ। आप चाहो तो कोयले वाला स्मोकी फ्लेवर भी इसको दे सकते हैं, या फिर डायरेक्टली भी इसको फ्राई करके खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बना है ये अल्फाम चिकन। आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक देना ना भूलें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।